नमस्कार बच्चे, नाइन्थ वाले सभी सुन ले। अभी 13 अप्रैल को आपको प्रोग्राम दे दिया होगा एग्ज़ाम का। तो मैंने पहले एग्ज़ाम में जो लेसन दिया उसके बाद का जो लेसन चलाया हुआ है उसी में से आपका 50 मार्क का पेपर निकालूंगा। तो ध्यान से उसको जितना चलाया उतना ही याद कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, प्रमेय और रचना खास कदर है। ये 2 प्रश्न आपका 4-4 या 5-5 मार्क का प्रश्न होगा। दोनों 100% पूछे जाएंगे। अगर जिसका सही होगा तो 5-10 मार्क मिल जाएगा आपको। जितने भी वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं उसको सुना लेना और अपने फ्रेंड को भी बोल लेना। तो आज मैं लेसन नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ। प्रश्नावली 13.2, जितने जितने एग्जाम्पल प्रश्नावली में कराता हूँ उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि जो खास 10वीं के बेज पर जो प्रश्न है वही आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहला प्रश्न है 14 समय वाले लंब वृत्तीय वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 समय का स्क्वायर है। तब बेलन का आधार का व्यास यानी नीचे जो सिरा आया हुआ है ये व्यास निकालना है। बेलन मतलब बेलनाकार। तो बेलनाकार का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 88 दे दिया है और उसका सूत्र है 2πRH। 2πRH बराबर 88, 2×22/7 पाई का मान r ऊंचाई है 14 और r निकालना है। r बराबर 88, ये जो 7 है 7×2=14, 2 नीचे जाएंगे, 22 और 2 भी नीचे जाएंगे। तो आप 88 में 2×22×14 ऊपर 88×7 तो उसका r बराबर 1 आएगा। अभी व्यास निकालना हो, व्यास बराबर 2r, 2×1=2, मतलब आपका व्यास है 2। ऐसे छोटे एग्जाम्पल आपको करना है। धातु के वक्र चादर से 1 मीटर ऊंचाई और 140 मीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर चाहिए, मतलब ये जो सीट है ये सीट कितनी चाहिए। तो व्यास आपका दिया है 140 को 2 से भाग कर दो तो आपका आएगा आर, लेकिन आर है सेमी में दिया हुआ है। जब ऊंचाई है मीटर में दिया है तो 70/100 तो 0.70 सेमी में मीटर में आएगा, बराबर है। तो 1 मीटर और 0.70 आर, एच बराबर 1 मीटर। अब बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR, संपूर्ण पृष्ठ जो इधर बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण, तो 2πRH आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये सूत्र याद रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसमें मान रख दो, 7 से भाग कर दो 0.10, 1+0.70 तो 1.70 आएगा। उसको 2×44 10/100 170/100 तो आप आंसर आएगा 7.48। ये गुणा भाग कर सीख लेना। तीसरा प्रश्न है धातु का। धातु एक पाइप 77 लंबा है, जो बेलनाकार पाइप है यह 77 सेमी लंबाई है। इसके उस अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, मतलब इसमें जो अंदर का व्यास आया हुआ है, ये अंदर का व्यास इधर से इधर तक, ये आंतरिक व्यास यह 4 सेमी है और बाहर की सतह और इसकी बाहर की सतह ये दोनों सहायता, क्योंकि पाइप की मोटाई है थोड़ा बहुत, चौड़ाई है थोड़ी बहुत, 2 मिली 3 मिली होती है। तो बाहर बाहर का जो व्यास है ये 4.4 है, 0.4 मिली ज़्यादा है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आंतरिक पृष्ठ में त्रिज्या ये 4/2 એટલે 2 बेलनाकार के आंतरिक त्रिज्या, ऊंचाई है 77, बाह्य त्रिज्या है इसको कैपिटल आर रखो, 4.4 2 भाग करो 2.2। अभी आंतरिक में आप बेलनाकार के वक्रीय पृष्ठ पर 2πRH इसमें मान रख लो, 2×22/7×2 77 એટલે 768 आएगा। बाहरी में भी, बाहरी में एक ही फेरफार है, कहते हो तो 2.2 है वो त्रिज्या आएगी, बाकी समान सेम टू सेम
तो उसका आंसर आएगा 1.1064.8। अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बेलनाकर का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे, जो ऊपर और नीचे जो वृत्ताकार आया ने इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh + 2πRh + 2rr² - r। ऊपरी और नीचे सिरों का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है 2πR² - r². पहले मैं आंसर निकाला 2968, दूसरे में आंसर निकाला है 1064.8। और इसमें मान रख दो कि 2×22/7 ब्रैकेट में 2.3 बाह्य का त्रिज्या है 2.2, ये लिख दो स्क्वायर, और आंतरिक का 2 है उसको वर्क कर दो, तो सब मिलाकर 2038.08 सेमी आता है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं लेके जाऊंगा, जितना है उतना नोट कर लेना, किताब साथ में रखना, और प्रश्नावली 13.2 में पहला दूसरा तीसरा प्रश्न करवाया, ऐसे चार पांच प्रश्न करवाएंगे, बड़े बड़े प्रश्न बाहर निकालने के, जो कनेक्ट है दसवीं में वो सब प्रश्न करवाऊंगा। तो आप घर ध्यान से, पेपर की स्टाइल आपको आपको पता है उस तरह से, लेकिन प्रमेय और रचना आप खास करना, बाकी का एग्जाम्पल आप करते रहना छोटे छोटे। थैंक यू।